बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है ख़ास तौर पर टबैको लवर्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ स्मोकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं या सिगरेट नोशी के फ़ायदे आपको बताएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज की इस वीडियो में बात होगी एक टबैको बेस्ड फ्रेगरेंस के हवाले से, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन और इकोनॉमिकल फ्रेगरेंस के बारे में बताएँगे। व्यूअर्स, कैरोलिना हेरेरा एक बहुत मशहूर ब्रांड है। इनकी एक बहुत ही महंगी तरीन खुशबू है जिसका नाम है मिस्ट्री टोबैको। ये इतनी महंगी है कि आम ले मैन, मिडल मैन, तो खैर इसको जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो खैर इसको लेने के बारे में, परचेज़ करने के बारे में सोच नहीं सकते, और जो अपर क्लास है वो भी इसको परचेज़ करने से पहले अपने अकाउंट को एक बार ज़रूर खंगालते हैं, उसके बाद परचेज़ करते हैं। इसका हल एक और फ्रेगरेंस हाउस ने दिया, मैंसेरा एक और परफ्यूम हाउस है, उन्होंने इससे एक मिलती जुलती फ्रेगरेंस बनाई रेड टोबैको, वो भी आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। तो हमने सोचा आज आपके साथ एक ऐसी फ्रेगरेंस शेयर करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है मिस्ट्री टोबैको से, और कीमत भी उसकी जो है वो फ्रिक्शन ऑफ अमाउंट में है जो ओरिजिनल है उसके। तो आइए इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं, आपके साथ तारुफ करवाते हैं। इस फ्रेगरेंस का नाम है टोबैको मिथ बाय फ्रेगरेंस वर्ल्ड। फ्रेगरेंस वर्ल्ड भी एक परफ्यूम हाउस है जो कि यूएई बेस्ड फ्रेगरेंस हाउस है। इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे इंप्रेशंस बनाते हैं ये, और इनके मशहूर जो मैंने आर्टिकल्स ट्राई किए हुए हैं उनमें अब्राज वाइकिंग है, अब्राज वेलर है, ब्राउन ऑर्चिड है, और ये टोबैको मिथ मैंने इस्तेमाल किया। सब के सब परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत एक्सीलेंट लगे, और परफॉर्मेंस इन सब की बहुत ज़बरदस्त, लास्टिंग भी मुझे अच्छी लगी। तो ये फ्रेगरेंस की अगर हम बात करें व्यूअर्स, टोबैको मिथ जो है इसका अगर हम आपके साथ सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिमिलर है, इसका बॉक्स भी बिल्कुल सिमिलर है मिस्ट्री टोबैको की तरह। ये इसका बॉक्स है और ये सामने टोबैको मिथ लिखा है, और साथ में ये EDP कंसंट्रेशन के साथ 100 ml बॉटल है, और यहाँ पे भी ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एक मोनोग्राम है, और ये इसका लोगो है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है। तो ये देखने में भी एक गिफ्ट पैक ही लगता है, और बिल्कुल सिमिलर है उसकी तरह का ये बॉक्स है। अगर हम इसकी बॉटल की बात करें व्यूअर्स, बॉटल इसकी बहुत हैवी ग्लास में बनी हुई है, काफ़ी हैवी बॉटल है, और इसका कलर आप देख सकते हैं, ये भी टोबैको की तरह का कलर है इसका, बड़ा ब्राउन सा और टोबैको तरह का कलर है। इसकी कैप और ये ऑटोमाइज़र आप देख सकते हैं, कैप भी काफ़ी इसकी हैवी है, सिर्फ प्लास्टिक कैप नहीं है, तो मटेरियल काफ़ी इसमें लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छा मटेरियल इसमें यूज़ हुआ हुआ है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन थी व्यूअर्स, और अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी खुशबू के हवाले से बात कर लेते हैं। तो लगाने के फौरन बाद शुरुआत में आपको तेज़ अल्कोहलिक नोट्स महसूस होते हैं, मिक्स्ड विद सिट्रसी नोट्स एंड टोबैको नोट्स। ये जो कम्बिनेशन है तीनों नोट्स का, टोबैको का, सिट्रस का और अल्कोहलिक नोट्स का, तो ये बहुत जल्द फेड हो जाते हैं। आल तो थोड़ा सा तेज़ है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत जल्द फेड हो जाता है, और जाते जाते इस फ्रेगरेंस को स्पाइसी कर देता है। और इसमें टोबैको के नोट्स रहते हैं वहाँ पे, और साथ में आपको दालचीनी की और अदरक की खुशबू महसूस होती है इस फ्रेगरेंस के साथ। तो ये इसका टॉप नोट्स होते हैं। तो उसके थोड़ी देर गुजरने के बाद आपको इसमें लकड़ी की, गीली लकड़ी की खुशबू नुमाया होती है, और साथ ही साथ इसमें पचोली के नोट्स भी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनके साथ टोबैको का कम्बिनेशन जारी रहता है। टोबैको असल में इसका ऐसा एक फ्रंट में और सेंट्रल इन्ग्रीडियंट कह लें, एक करेक्टर है जो कि शुरू से लेकर एंड तक आप उसकी फ्रेगरेंस महसूस करते हैं, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। बेस्ट पार्ट इसका ड्राई डाउन है, जब ये खुशबू क्रीमी और चॉकलेटी हो जाती है, स्मोकी हो जाती है, जो लास्ट में जो कंपोजिशन बनती है इनकी और जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें आप चॉकलेटी फ्रेगरेंस महसूस करते हैं, और आपको लगता है कि शायद ये गोरमांड फ्रेगरेंस बन गई है, लेकिन इसमें जो टोबैको नोट्स हैं वो इसको गोरमांड फ्रेगरेंस नहीं बनने देते, और इस कम्बिनेशन का जो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ होल वेयरिंग। तो उस हिसाब से मुझे इसका जो ड्राई डाउन है बहुत ही अमेजिंग लगता है। और व्यूअर्स, अगर इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी आउटस्टैंडिंग है, सिलाज और इसकी जो प्रोजेक्शन है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जब अक्सर मेरे फादर इसको लगाते हैं, उनकी भी फेवरेट है, तो शाम को जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे पता लग जाता है इन्होंने आज टोबैको मिथ इस्तेमाल की है और इन्होंने वेयर की हुई है, और जब वो गुजरते हैं क्योंकि तो मुझे वो फ्रेगरेंस फील होती है। तो अब 10-12 घंटे गुजरने के बाद भी इसकी प्रोजेक्शन सिराज का ये हाल है, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी लास्टिंग भी 12 घंटे से ज़्यादा है
12 आवर्स प्लस इसकी लास्टिंग है। और इसकी व्यूअर्स ये विंटर और फॉल्स में लगाने के लिए बहुत बेहतरीन है। ऑल दो मैं इसको एक दो स्प्रे गर्मियों में भी लगा देता हूँ क्योंकि मेरी एक फेवरेट फ्रेगरेंसेस में से एक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी एक ब्लाइंड बाय थी असल में जब मैंने इसको परचेज़ किया, सिर्फ टोबैको नोट्स दे के मैंने इसको परचेज़ कर लिया, तो अलहम्दुलिल्लाह मेरे पैसे ज़ाया नहीं गए और काफ़ी सारी बॉटल्स ये मेरे पास एक दो मैं इस्तेमाल भी कर चुका हूँ और कुछ दोस्तों ने भी ली हैं मुझसे, ले ली और वो उनको पसंद आ गई, वो मेरी ले ली, मुझे फिर नई बॉटल मंगवानी पड़ी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये एक आराम से पसंद आने वाली खुशबू है, इजी टू वेयर है। अगर आप टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस को पसंद करते हैं तो आई थिंक इट वुड बी अ ब्लाइंड बाय फॉर यू, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम प्राइस की बात करें व्यूअर्स, प्राइस इसकी तकरीबन आपको 2100 के अराउंड आपको ये मिलेगी, डीसी डिलीवरी चार्जेस के अलावा आपको मिल जाएगी। और एक जो ऑथेंटिक सेलर हैं उनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर सकते हैं, उनसे मंगवा सकते हैं, आपको ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है उनसे, वो आप देख लीजिएगा। और इसकी अगर एक और इसमें जो बात है वो इसको यूनिसेक्स फ्रेगरेंस कहा जाता है, लेकिन आई थिंक हमारे माशरे में अगर किसी खातून से फ्रेगरेंस और टोबैको की खुशबू आ रही है तो काफ़ी वियर्ड लगता है, तो आई थिंक इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ मैनली फ्रेगरेंस और काफ़ी मस्कुलिन है, स्ट्रॉन्ग है, 30+ लोगों के लिए है, मैच्योर आपको फील आती है जब ये लगाने के बाद। तो ये इस फ्रेगरेंस का पूरा हाल अहवाल था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कि अगर आपको कोई और फ्रेगरेंस जो आपको अच्छी लगती है उसका आप रिव्यू आप चाहते हैं तो मुझे बताइए, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी परफ्यूम या सेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़।